कहते हैं उल्टी बाकी रीत है, उल्टी बाकी चाल, जो नर गलत राह में खोए अपना माल। ईरान अपने लिए मुसीबतें खुद बुला रहा है। दरअसल अभी हालात तो ऐसे थे कि बाइडेन की वजह से बड़े आराम से ईरान निकल जाता प्रतिबंधों से और रास्ते बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते। पर कहते हैं ना, जब किस्मत में लिखे हैं कंकर तो क्या कर लेंगे शिव शंकर। ईरान को मिल गया चीन, ऐसी कुटनी चाची जो आग लगाए बगैर छोड़ती नहीं है, और ईरान उसके चंगुल में फंस भी गया। ईरान ने परमाणु बम बनाने के अपने इरादे को दुनिया के सामने जाहिर भी कर दिया और अमेरिका के सामने अकड़ भी दिखलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने चीन के $400 बिलियन को कैसे तबाह करना है इसका इंतजाम कर लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के लिए ये बहुत फायदे वाली बात है। एक निशाने से इजराइल दो शिकार करने वाला है। इजराइल ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। तैयारी के क्रम में इजराइल ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। वैसे दुनिया को इतना अंदाजा तो जरूर है कि इजराइल के हथियार काफी खतरनाक होते हैं, और इसका एक नमूना हारूप ड्रोन का देखने को मिल गया अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई में। अजरबैजान ने आधी लड़ाई तो इसलिए जीत ली क्योंकि उसके पास इजराइल के हथियार थे, छोटे छोटे ऐसे महाविनाशक हथियार जिसके बारे में अब लोग सोच रहे हैं। अजरबैजान में इजरायली हथियारों का जलवा देख के ही अब चीन हो, भारत हो या अमेरिका हो, सारे ड्रोन पर लग गए कि ये छोटे छोटे ड्रोन युद्ध में कमाल कर सकते हैं। किसी भी युद्ध के लिए सबसे खास बात ये होती है और मददगार बात ये होती है कि कोई ऐसी चीज जो आपको सही सही इंफॉर्मेशन दे दे, कहाँ सेना है, कहाँ हथियार है, कहाँ एयर डिफेंस सिस्टम है और कहाँ कितने ट्रूप की तैनाती की गई है। हालांकि सुनने में जितना ये आसान लगता है, ये काम असल में उतना आसान होता नहीं है। लेकिन इजराइल के लिए अब ये मुश्किल भी आसान हो गया है। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजराइल को आधुनिक रडार और सिस्टम से लैस महाशक्तिशाली सर्विलांस जहाज मिला है, और अब इस जहाज ने दुनिया को अपनी ताकत दिखला दी है। इसकी ताकत आप ऐसे जानिए कि इस आसमानी आंख की मदद से इजराइल 24 घंटे न केवल अपने दुश्मनों की हरकतों को जमीन पर ट्रैक करेगा बल्कि हवा में भी उनके मंसूबों का पता लगा लेगा। इस खुफिया मिशन जहाज को ओरोन नाम दिया गया है। ओरोन के इजरायली एयरफोर्स में शामिल होने से अभूतपूर्व खुफिया जानकारी मिलने के साथ साथ निगरानी टोही क्षमता में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। वैसे बना तो इजराइल ने इसे काफी पहले लिया था, लेकिन हाल फिलहाल में एक समारोह में इसे दुनिया के सामने रखा गया और इस विमान को इजरायली वायुसेना के 122वें स्क्वाडन में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें, जिस स्क्वाडन में इसे शामिल किया गया है उसे ISR के नाम से जानते हैं। ISR का मतलब हो गया इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉन्सेंस। इस स्क्वाडन का काम ही है खुफिया मिशन में जाना। इस एक विमान से ही कई तरह के काम निकाला जा सकता है और विमान जमीन पर और हवाई सेंटर्स को जैसे ही खुद विश्लेषण करने के बाद उन्हें लगेगा कि कोई खतरा है तो वो अलर्ट भेज सकेंगे। बाहर से देखने में ये जहाज भले साधारण लगता हो, लेकिन इसमें सेंसर्स और रडार ऐसे लगे हुए हैं जो कि दुनिया भर में जितने भी सर्विलांस के जहाज हैं उसमें सबसे ज्यादा उन्नत यही है। वैसे आपको याद होगा, इजराइल ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए, ईरान को वो परमाणु बम बनाने नहीं देगा और ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ईरान पर अभी अभी $400 बिलियन का दाव लगाया है चीन ने। इसका मतलब ये हो गया कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होगा। ईरान के साथ साथ कहीं चीन के 400 बिलियन भी सुहाना हो जाए। हालांकि इजराइल की तैयारी कुछ उसी दिशा में लग रही है। वह एक बड़ी पुरानी कहावत है, जजमान चाहे स्वर्ग जाए या नरक को, मुझे अपनी दही पूड़ी से काम। वैसा ही कुछ हाल अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में योग के प्रति इतनी नफरत देखकर आपका माथा ठनक जाएगा। ऐसी नफरत की बात संसद तक पहुंच जाए और संसद में झगड़े का रूप ले ले, वो भी उस योग के लिए जिस योग दिवस को पूरी दुनिया मना रही है। वैसे आपको बता दें, भारत ने जब
जब इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था कि योग दिवस मनाना चाहिए, तब ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जो मात्र 90 दिन के अंदर पारित हो गया था। दुनिया अब इसका भरपूर फायदा उठा रही है, लेकिन विकसित देश अमेरिका, जिसकी सोच योग के प्रति ऐसी हो सकती है, ये बिल्कुल सोच से परे है। भारत के योग से अमेरिकी डर का एक संयोग बन गया है। योग न करना, योग करोगे तो हिंदुत्व का विस्तार हो जाएगा। और ये डर है अमेरिका की एक ऐसी संस्था का, जिसका पता नहीं भगवान क्या करने वाले हैं, जिसकी सोच बिल्कुल भी विकसित देशों जैसी नहीं दिख रही है। दरअसल वहाँ के पब्लिक स्कूलों में योग को शुरू करने के लिए एक बिल लाया गया था। मतलब था कि ओबामा के स्कूलों में योग को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाए। मकसद साफ था, स्कूलों में योग कराना। वैसे जिस सांसद ग्रे ने इस बिल को सीनेट में प्रस्तुत करा था, उनका कहना ये था कि योग करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर को भी फायदा होता है। आपको बता दें, ग्रे कभी एथलीट भी रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी एथलीट हैं, वो ओबामा में भी, अर्बन यूनिवर्सिटी में भी योग करते हैं, यहाँ तक कि कई चर्चों में योग होता है। फिर ओबामा के स्कूलों में इस योग को क्यों नहीं मंजूरी दी जा सकती है? अब इस सीनेट में इस बिल को रोक दिया गया, और रोकने का कारण सुनकर आप सोचेंगे कि देखो, विकसित देश में भी लोग कैसे सोचते हैं। वहाँ के जो ईसाई धर्म के कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने इस बिल को ये कहकर रुकवा दिया कि अगर ऐसा करते हैं तो ये हिंदुत्व का प्रचार है, इसका मतलब हम अपने लोगों को हिंदुत्व की तरफ ढकेल रहे हैं। योग करना, ध्यान लगाना, ये सब कुछ हिंदू धर्म में आता है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने भी इस मामले पर कोई भिन्न राय नहीं रखी। इन लोगों का मानना था कि अगर हम स्कूलों में योग को बढ़ावा देते हैं, तो इसका मतलब है हिंदू धर्म के अनुयायियों को हम बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। यहाँ तक कि एक रूढ़िवादी मेंबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि योग हिंदू धर्म का ही एक काफी पुराना हिस्सा है, और ये ऐसा होगा जैसे हम खुद ब खुद अपने स्कूलों में हिंदू धर्म को पेश कर रहे हैं। अब इन कंजर्वेटिव पार्टियों की वजह से इस बिल को रोक दिया गया, क्योंकि दावा ये है कि ध्यान लगाने का और हिंदू धर्म का प्रचार इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसके कारण धर्म परिवर्तन हो सकता है। हालांकि उस सीनेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधी ही थे, समर्थक भी थे, जिनका ये मानना था कि यह धर्म से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, यह एक व्यायाम है और इसको व्यायाम के नजरिए से, एक्सरसाइज के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी संख्या कम होने की वजह से इस बिल को पारित नहीं किया गया। वैसे तब तक पश्चिमी देशों को अकल नहीं आएगी जब तक पूरी तरीके से वो इस तरह की महामारियों में सफाया नहीं हो जाएंगे। अब जबकि महामारी में देख चुके हैं कि भारत जैसे देश पर उतना असर नहीं हुआ है जितना पश्चिमी देशों पर हुआ है, इसका साफ मतलब है कि भारत जैसे देश जो अलग पद्धति अपनाते हैं पश्चिमी देश की तुलना में, अपने जीवन में, खान पान में, अपने रहन सहन में, यहाँ तक कि योगा और व्यायाम में, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकियों से कई गुना ज्यादा होती है। हालांकि आज नहीं तो कल इसे स्वीकार करेंगे ही, क्योंकि यह पूरी दुनिया में अब स्वीकारा जाने लगा है। वैसे क्या आपको उम्मीद थी अमेरिका जैसे देश में, जो कि काफी विकसित है, योग को लेकर कोई सीनेट इस तरह का प्रस्ताव खारिज कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।